पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ कि मुझे कौन सा पैट सबसे बेस्ट लगता है। एंड आई पर्सनली यूज स्टेफ्री, स्टेफ्री ज्यादा काम करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं नींद में हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, अभी मैं सो के उठी हूँ। एंड आज है मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे। मुझे अभी समझ में नहीं आ, मेरा बेड से भी उठने का मन नहीं कर रहा, बट उठना तो पड़ेगा, मैं ऐसे पड़ी नहीं रह सकती क्योंकि आज मतलब बहुत ज्यादा काम भी करना है। मेरा रूम ना काफी ज्यादा गंदा हो गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगी, फर्स्ट डे पीरियड मैं करती क्या हूँ, बिल्कुल रियल। ऐसा नहीं है कि ये रूटीन मतलब मेरा डेली चलता रहता है, लाइक कभी कभी मैं लेट उठती हूँ, कभी कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, डिपेंड अपॉन की सिचुएशन कैसी है। आज मैं जो जो करूंगी वो मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि ये मैं हर टाइम फॉलो ही करती हूँ, कभी कभी मैं बॉडी को रेस्ट भी देती हूँ। किशन सु क्या कहते हैं, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, फोर्सफुली नहीं मतलब, और आपका मन भी ना हो फिर भी करना पड़ता है क्योंकि आपके पास काम होता है। जैसे मान लो कि स्कूल में एग्जाम है तो वहां जाने का स्कूल मन भी ना करे फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि एग्जाम है। रूम साफ करना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरा रूम इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना, बट उससे पहले मैं नीचे जाऊंगी, चाय या फिर कॉफी कुछ तो पीऊंगी। पहले मैं नहीं पीती थी बट अब मैं पीती हूँ, तभी मैं नीचे जाऊंगी एंड आई विल हैव सम कैफीन। ये देखो, ये है मेरा बेड, किशन भी सोया था तो वो अपना सामान लेकर आया है, ये तो ये इसका है, ये मेरा है। एंड बाकी हाँ, हम ऐसे ही सोए थे। मैं उसको बोल देती हूँ अपना पिलो कवर, छी मैं उसको बोल देती हूँ अपना पिलो कवर लेकर आया करो, मेरे रूम में सोया करो, बट मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरा पिलो कवर यूज़ करे। बट देखो वो इतना दुष्ट है, उसने चोर की तरह दो दो पिलो लिया है, मेरा भी लिया है। यहाँ पे देख लो, कल रात में हम वीडियो बनाए थे ब्लडी मैरी के, देखो मुझसे कैंडल हाथ से गिर गया था एंड माई गॉड आई डोंट नो क्या हुआ था, पूरा गंदा हो चुका है। ये देख लो, इतना सारा कबाड़ा मेरे रूम में है तो मुझे इसे साफ करना है। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम कुछ यू नो खा पी लेते हैं, एंड अगर इस वीडियो में मेरी एनर्जी थोड़ी लो लगे तो समझ सकते हो ना। तो मैं पीने वाली हूँ अपने फेवरेट कप में, दिस इज माय मियाओ मियाओ कप। ये किशन का चाय बन रहा है। गाइस, यहाँ सामने वाले घर में इस शादी हो रही है तो डीजे चल रहा है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करूंगी। जो है ना वो थोड़ा येलोइश कर देती हूँ बिकॉज आई लव येलो कलर, मुझे वार्म कलर बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपनी कॉफी इंजॉय करूंगी। यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है लाइट, क्योंकि मेरे रूम में ना लाइट बिल्कुल नहीं आती है, जो ये लाइट होता है मैनमेड लाइट वो मैं यूज करती हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं क्या। सो अभी सुबह सुबह तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि सुबह सुबह उठने के बाद खाने का मन नहीं करता है, जब काम वाम कर लूंगी अपना देन मुझे भूख लगती है, 2 से 3 बजे के बीच ना मुझे बहुत जोर की भूख लगती है, दिन में और रात में, मतलब ये टाइम फिक्स्ड है, तो या मैं तब खाऊंगी। सो गाइज, सो आप देख रहे हो ना आज सामने वाले जो घर है ना उसमें हल्दी है तो लोग गाने वाने बजा रहे हैं। सो मैंने कॉफ़ी अपनी पी ली है एंड कॉफ़ी पीने के बाद मैं एडिटिंग भी शुरू कर दिया मैंने, जो वीडियो पड़ेगी। सो या कॉफ़ी मैंने पूरी नहीं पी क्योंकि धीरे धीरे पी रही थी तो वो ठंडी हो गई, तो मुझे ठंडी कॉफ़ी चाय बिल्कुल नहीं पसंद है तो मैं छोड़ देती हूँ। एंड या तो अभी मैं एडिटिंग करूँगी एंड लेट्स सी, आई थिंक 1 से 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं पूरी वीडियोस करूँगी तब तो पूरा रात हो जाएगा क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियोस भी एडिट करनी है, व्लॉगिंग जो हमने ब्लडी मैरी वाला बनाया था वीडियो उसकी भी एडिटिंग करनी है, तो वो लॉन्ग वीडियो तो उसमें 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे, एंड देन नॉर्मल जो रील्स वगैरह होती हैं वो डालने के लिए। तो हम लोग का डेली यही रूटीन होता है, मतलब सुबह उठो नहीं, रात तो एक तो वीडियो शूट करते करते लेट हो जाता है, फिर रात में सोते सोते हमें 3 बज जाते हैं जब एडिट वेडिट कर लो क्योंकि अगले दिन वीडियो पढ़नी होती है, फिर सुबह उठो एंड सुबह भी उठने में लेट हो जाती है, फिर काम करो बैठ के, फिर एडिटिंग स्टार्ट करो एंड फिर वीडियोस बनाओ, फिर रात हो जाती है। तो यही हमारा रूटीन चलता रहता है एंड ऊपर से मेरे एग्जाम्स आने वाले तो उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करनी है, कि जब मेरा रूम क्लीन नहीं होता ना तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है। वैसे मुझे इरिटेशन हो रही है क्योंकि फर्स्ट डे है, मैं चाहती हूँ यार थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ ताकि मुझे अंदर से फील हो अच्छा। सो गाइज, फाइनली मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली, क्रैम्स हो रहे हैं, ओ गॉड व्हाट इज दिस, पता नहीं ये मेरे बाल में क्या हो गया है। सी ये जो है ना यहाँ पे ऐसे बाल मेरे फंसे हुए हैं, तो मैं जल्दी से करती हूँ एंड लेट्स ईट समथिंग।
आई डोंट नो मैं क्या ही कर रही हूँ अपने पीरियड रूटीन वाले वीडियो में, मैं साफ सफाई कर रही हूँ, बट गाइज यही है, आज मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे शूट करना ही था. एंड मैं ऐसे कोई फेक नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पीरियड्स था तो मैं योगा करती हूँ, ये वो मैट लगाकर जब सुबह सूरज उगता है तो मैं योगा करती हूँ. दिस इज वॉट इट इज. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द सेम डे एज यूजल. द थिंग इज बस मेरे पीरियड्स आ गए हैं, ऐसे मतलब ऐसे मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें कि उसको ये ना लगे मेरे पीरियड्स आए, बिकॉज आई फील सो इरिटेट. म्यूजिक सुनो, सो जाओ, या फिर अपना काम करो जो तुम्हें पसंद है. इसलिए मैं काम करती हूँ, सोऊंगी तो नहीं सो के उठी हूँ. एंड बाकी मैं क्या कह रही थी, एंड बेड पे बैठी रहूंगी तो ऐसे फील होता है ना. बट अगर आपकी पीरियड्स एंड पेन होता है तो प्लीज टेक रेस्ट, जरूरी नहीं आप काम करो. तुमने पोछा तो नहीं लगाया ना? लगाया. सो ये देखो, ये मेरे भाई का रूम है. एंड आपको थोड़ी सी चेंजेस दिख रही होंगी क्योंकि हमने शिफ्ट किया है थोड़ा इसका रूम. सामान भी लेना रूम के लिए, यहाँ पे टेबल लेना है और मत बताओ वो उसमें अपने वीडियो में डालना. अब मैं लगाने वाली हूँ पोछा. एंड सामने वाले घर में मैंने दिखाया था आज हल्दी एंड बारात है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट वो लोग गाने वाने उतना बजा नहीं रहे जैसे डांस वांस लोग करते हैं ना घर में, डीजे लगता है तो वैसा नहीं है, विच इज गुड. मतलब चलो ठीक है, उन लोगों की मर्जी, लगा नहीं रहे हैं बट चलो ठीक है, शोर नहीं हो रहा उतना. एंड या बस रामायण कुछ दिन पहले था तो 2 दिन की एक दिन ऐसे 24 घंटे होता है ना, तो वो बज रहा था तो अच्छा लग रहा था यार सुन के, अच्छा लग रहा था सुन के, मतलब आवाज़ वैसे गूंज रही थी ना. बट या मुझे नहीं पता आज बारात निकली है दूल्हे की कि हल्दी हो रही है, आई डोंट नो. मिशन पोछा लगाओ. ये उन आंटियों के लिए है जो कहती है कि आपकी बेटी काम नहीं करती है, देख लो. ओके, तो रूम क्लीन हो चुका है, मैंने पोछा वोछा सब लगा दिया, फैन चला दिया है. एंड वो जो कप है वो मैं नीचे जाके रखूंगी, अभी मेरा नीचे उतरने का बिल्कुल मन नहीं है सीढ़ियों से. बट या अब बारी है रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की, बिकॉज व्हाई नॉट. सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने. चलो लेट्स सी मैं क्या पहनती हूँ. मैं कुछ कंफर्टेबल सा पहनूंगी क्योंकि व्हाई नॉट. आई लव दीज सॉक्स, बट इसमें इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना पैर में, तो मैं अभी नहीं पहनने वाली हूँ. वैसे भी ठंडी अब जाने वाली है. ये मेरे भाई का कपड़ा मेरे रूम में क्या कर रहा है, किशन. आई नो इस कपड़े का कोई भी तोल और मोल नहीं है, बट आई एम गोइंग टू वियर पिंक क्योंकि पिंक सब मुझे प्यार हो गया है, तो मैं पिंक पहनूंगी. एंड नीचे मैं ये लोअर पहनने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट है. ये मैंने कहाँ से लिया था आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक पैंटालून से लिया था, और ये मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था क्योंकि इतना ज्यादा कंफर्टेबल है. आई डोंट नो 1000 का था बट वर्थ इट गाइस. सो ये मैं पहनने वाली हूँ नीचे. कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं है, बस ये कंफर्टेबल है इसलिए मैं नीचे पहन रही हूँ, और पिंक इज माय फेवरेट कलर, मुझे अच्छा फील होगा इसलिए मैं पहन रही हूँ. मैंने मीशो से ऑर्डर किया था चार्जर का कवर, ये इतना ज्यादा क्यूट है. वैसे भी शाम होने वाली है, पहले एक टॉफी खा लेते हैं. गाइज मैं दरवाजा बंद कर दूँ. एंड गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ऑब्वियसली ये पीरियड के ऊपर वीडियो मैं बना रही हूँ, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है. मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ कि मुझे कौन सा पैड सबसे बेस्ट लगता है. एंड अगर आप लोग इसको भी यूज करोगे तो आप लोगों को भी यू नो आप लोगों की हेल्प होगी. तो मैं ये विस्पर का यूज करती हूँ. एंड आई पर्सनली यूज स्टेफ्री, स्टेफ्री ज्यादा काम कर देना प्लीज यार, मतलब था. सो गाइज ये विस्पर का अल्ट्रा यू नो हाइजीन प्लस कम्फर्ट है, एक्स्ट्रा लार्ज है, तो मैं इसको ये यूज करती हूँ. मतलब मेरे लिए तो ये ठीक है, आप लोग को अगर यूज करना हो तो करना, बहुत लोग आप लोग इसे यूज भी करते होंगे. आई डोंट लाइक स्टेफ्री बिकॉज आई फील लाइक ही उसका जो वो थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल. मैंने फाइनली नहा लिया है एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. पीरियड्स में होता है ना कि लोग कहते हैं कि अगर आपको क्रैम्प्स है तो आप गर्म पानी से नहाओ, बट पता है मेरी आदत बनी हुई, जब तक मैं ठंडे पानी से नहीं नहाती ना मुझे फील नहीं होता कि मैंने नहाया है, तो मैंने ठंडे पानी से ही नहाया है. पीछे के मेरे बाल ये देखो गीले हो गए हैं सारे, विच आई हेट सो मच. एंड आपको पीछे बैकग्राउंड से गाने सुनाई दे रहे होंगे, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो बहुत अच्छी बात है. तो या अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी स्किन केयर करने के लिए. स्किन केयर मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम. जी यार ये मेरे बाल ना 519 हो रहा है एंड आप सोच भी नहीं सकते हो कि अब मुझे कितनी जोरों की भूख लग रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था बट उस टाइम. रुको मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ या फिर रहने दो. लगाने वाली हूँ ये निव्या का. बारी है परफ्यूम लगाने की, बिकॉज मेरा डायलॉग वाई नॉट. मुझे यू नो पैड की थोड़ी सी यू नो स्मेल आती है ना, क्योंकि वो विस्पर वाले बहुत स्ट्रांग
उनका परफ्यूम होता है पैड का, तो वो मैं स्मेल नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज दैट विल रिमाइंड कि मैं पीरियड्स में हूँ। मैं ये बताने वाली थी कि मुझे वीडियो भी शूट करना है, तो लेट सी मैं कब करती हूँ क्योंकि रात हो जाएगा। सो गाइज मैं बहुत देर से वीडियो नहीं बना रही थी, आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे एकदम रात हो गया है क्योंकि ये लोग कभी गाने बजा रहे कभी नहीं बजा रहा है, तो मैंने सोचा कि यार खैर छोड़ो। तो अभी मतलब किशन गया था पूजा करने के लिए एंड इससे बोला कि दीदी अगर आप नूडल्स खाओगे आज मेरे यार इफ यू नो यू नो। तो अभी कितना टाइम हो रहा है किशन, प्लीज गो एंड टेक योर फोन एंड लेट मी नो। सो गाइस बहुत ज्यादा मतलब लेट हो गया है, बोला था कि मैं पूजा जब कर लूंगा उसके बाद हम जाएंगे रामेन बना के खाएंगे, तो मैं जा रही हूँ रामेन खाने के लिए क्योंकि मुझे उसकी क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा। एंड ऑब्वियसली एंड 6:35 हो रहा है ना टाइम, 6:35 हो रहा है, आप सोच सकते हो मैंने सुबह से बस कॉफी पिया है कुछ भी नहीं खाया है। वैसे मेरा मन भी नहीं कर रहा था, आई फील वेरी यू नो खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, बट अभी मैं जा रही हूँ रामेन खाने बिकॉज आई कॉन्ट वेट एनी मोर। मेरे भाई ने बोला कि वो भी खाएगा, तो उसने बोला कि मेरा वेट कर लो, तो चलो चलते हैं बनाते हैं। वो मैंने बहुतों का वीडियो देखा है पीरियड रूटीन में, वो पता नहीं यार क्या क्या चीजें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, इतना एस्थेटिक लग रहा है। मैं क्या बना रही हूँ, मैं कुछ भी बना दे रही हूँ। गाइज इस वीडियो का बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आता है, एंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं आगा क्योंकि मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी इसलिए आप लोगों ने बोला था। हम ये वाला बनाएंगे वाला है यार, मैचिंग हो रहा है मेरे कपड़े से ये नूडल्स। तो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, मैंने पता है बनाया है। आपको बताओ मैं नीचे से अपना नूडल्स कैसे लेकर आया, ऐसे बहुत अच्छे स्मेल कर रहा है। ओके गाइस तो इग्नोर इट, ऐसे ही हम घर पे सब ऐसे ही घर पे खाते हैं, मैं कोई हूर की परी हूं नहीं। दादा इसमें पानी डाल दिया, चिप्स रखा है अंकल चिप्स खा लूं, कल मैंने इसको डोरिटोस दिया था अपना, सॉरी नाचोस दिया था, सुकून मिल रहा है, परफेक्ट लाइफ। ये दिस और मेरा देख लो, एकदम पानी डाल दिया मैंने गलती से। पीरियड्स में आई नो कि मैं फास्ट फूड खा रही हूँ बट कभी कभी तो चलता है यार, मतलब समझ रहा हो ना, एंड क्रेविंग होती है, देखो वैसे ही रोना होता है, तो अब मन भी कर रहा कुछ खाने का, तो मैं बहुत बदतमीज हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ इन सारी चीज़ों खाने के मामले में, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सो दैट्स वाई आई एम हैविंग रामेन। बहुत गर्म है यार, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आई एम वेजिटेरियन क्योंकि जो मेरा रामेन था उसमें मैंने चीज़ डाला था एंड कैरेट था उसमें, गाजर, तो लोग कह रहे थे कि ये ऑमलेट है क्या, मतलब आपने इसमें एग डाला है क्या, तो मैंने बोला था कि नहीं इसमें एग नहीं है, मैंने चीज़ डाला था वाइट कलर का एंड कैरेट डाला था, तो वो ऐसा लग रहा था ना कि एग और उसका योक है, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आई एम वेजिटेरियन, बट बहुत लोग कह रहे थे कि आप रामेन खाती हैं बुलदा का एंड आप कहती हैं कि आप वेजिटेरियन है। सो गाइज ये जो फ्लेवर है चिकन का, ठीक है, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, वो भी वो वाली नहीं जो बहुत ज्यादा खाती, मैं ग्रेवी के साथ खाती थी, बहुत कम खाती थी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये मैं खाती क्यों, एंड उसके बाद मतलब मेरा ऐसे अंदर से मन हुआ ना कि यार नॉन वेज चीजें नहीं खानी है। ये इसमें चिकन का फ्लेवर होता है, इसमें ऐसा नहीं कि चिकन का यू नो चिकन का मसाला डाल के इसमें डालते हैं, बस फ्लेवर है, इट्स आई थिंक इट्स नॉट ओरिजिनल, इट्स आर्टिफिशियल, उसमें लिखा भी रहता ना आर्टिफिशियल चिकन फ्लेवर। सारी वेजिटेरियन चीजों में भी नॉनवेज की यू नो चीजें पड़ी रहती है इंग्रेडिएंट, बट उतना कोई ध्यान नहीं देता। सो मैं ऐसे चिकन विकन नहीं खाती हूँ, प्योर वेजिटेरियन, प्योर नहीं बोलूंगी चिकन, इट्स आर्टिफिशियल, आप बुलदा के पैकेट में देख सकते हो आर्टिफिशियल लिखा होता है, बट आई एम श्योर नहीं है यू नो। सो गाइज मैंने मेकअप वेकअप कर लिया है एंड अभी मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने, किशन टाइम कितना हो रहा है, किशन अपना रूम छोड़ के मेरे ही रूम में रहता है, 7:25 हो रहा है एंड मैंने अभी 2 मिनट पहले ही खाया है, बट या आई एम बैक टू वर्क क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो जाएगा एंड मुझे वॉक करनी है बिकॉज वॉक करने से मुझे काफी ज्यादा मजा आता है, वॉक करते हैं तो टॉक करते हैं और टॉक करते हैं एनर्जी लो हो जाती है, और एनर्जी लो हो जाती है वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। सो गाइज ये देखो इतनी सारी ड्रेसेस है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसका वो बनाने, व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट, तो आप लोग देख लेना शॉर्ट्स, वैसे पहले ही आ जाएगा ये बाद में क्योंकि लॉन्ग वीडियो ना तो इसको एडिट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट्स है तो आराम से हो जाएगा। 2000 years later ओके गाइज मैंने वीडियो बना लिया एंड उसका आउटरो शूट करने में मैंने इतना खुदा ना मेरी हालत खराब हो गई है, आप लोग जाना वो वीडियो देखना, बाकी ज्यादा कुछ वो नहीं फैला नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो ज्यादा कपड़े नहीं थे, तो जा रही हूँ फोल्ड करने, फिर किशन को बुलाते हैं एंड स्क्रिप्टिंग करते हैं दूसरे वीडियो की।
अभी मैं जा रही हूँ अपनी डायरी में स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो लॉन्ग वीडियो, एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि टॉक्सिक रिच बिजनेसमैन का पार्ट टू रिवेंज वाला लाने के लिए जिसमें हम बदला लेंगे, तो शायद हम उसी का लिखें या फिर हो सकता है कि हम दूसरी स्टोरी लिखें, आई एम नॉट श्योर. स्क्रिप्टिंग में तो सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है, मतलब बैठ के लिखते रहो, समझ में नहीं आता कि क्या स्टोरी बनाएं, कहाँ से करें, क्या. डिनर तो मेरा करने का मन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने खाना खा लिया है, सॉरी नूडल्स खा लिया, तो मुझे उतनी भूख नहीं है. मुझे अभी याद आया कि मुझे ब्लडी मैरी वाला एडिट भी करना है, मैं इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना. सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ दूसरा लॉन्ग वीडियो शूट करने, एंड आई डोंट नो कि इस वीडियो को मैं डालूंगी कि नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने उसके मतलब उतने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं. तो लेट्स सी, अगर ये वीडियो अच्छी बनी तो मैं डाल दूंगी, अगर नहीं बनी फिर भी मैं डाल दूंगी, बिकॉज आई होप इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइज. सो बहुत दिन से मेरे माइंड में था, बट आज मैं जा रही हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि वाई नॉट. ठीक है गाइज, तो मैंने फाइनली वीडियो बना लिया. मैंने बनाया है टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में वीडियो, एंड आप लोग ये वीडियो जाकर वो वीडियो देख सकते हो. आई होप आप लोग को वो वीडियो पसंद आएगी, एंड प्लीज शेयर मी इन कॉमेंट सेक्शन. शूट कर लिया अभी जस्ट मैंने शूट किया है, एंड मुझे एडिटिंग भी करनी है भाई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो आई फील लाइक कि मैं जल्दी फटाफट वो कर लेती हूँ, एंड उसको करने में भी टाइम लगेगा, एंड आई डोंट नो कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे होंगे. तो सबसे पहले तो मैं अपना फ़ोन चार्ज में लगा लूँ, एंड क्या गाइज, सो यही थी मेरी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना. आई डोंट नो कि मैंने ये वीडियो कैसे बनाया, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ढंग का बनाया, बट जो भी हो मेरा ना रूटीन शेयर किया विच वॉज ट्रू. सो गाइज, अभी रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और ये देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ सारा खाना इंडियन लेकर, क्योंकि हम एक और वीडियो शूट करने जा रहे हैं, वो भी आज रजीना ट्राई करने वाली है इंडियन फूड, तो वो आई थिंक इस वीडियो के बाद आएगा, तो आप लोग जरूर देखना. पता नहीं क्यों मेरे अंदर से इतनी हिम्मत आ रही है, मैं तो सोच रही हूँ यार मैं रोज ब्लॉगिंग करूँ, मैं रोज इतनी मेहनत करूंगी, है ना रजीना. सो ऑफकोर्स रजीना आई है मेरे पीरियोडिक टेबल में मुझे हेल्प करने के लिए, तो वी आर गोइंग टू हैव इंडियन फूड, एंड मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ. Bye. Woke up at 11 o'clock. I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck. Oh my.